सर्दियां शुरू होते ही बाजार में कई तरह का साग मिलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके लिए साग की ही एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सोया पालक और मेथी से बहुत ही आसान कटलेट्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सोया लिया है, पालक लिया है और मेथी ली है। इसे मैंने पहले से धोकर साफ कर लिया है और साथ ही मैं ले रही हूँ 2 प्याज मीडियम साइज के, 1 टुकड़ा अदरक, 3 कलियां लहसुन की और 4 हरी मिर्ची। अब मैं ले रही हूँ 1 कप पोहा, और पोहा आप पतला या मोटा कोई भी ले सकते हैं। इसे सबसे पहले साफ पानी से धो लेना है। ऐसा करने से अगर इसमें कोई डस्ट होगी तो वो भी हट जाती है। अब इस पोहे को लगभग 5 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। ऐसा करने से ये पोहा जो है काफी सॉफ्ट हो जाता है। तो लीजिए, इसे मैंने 5 मिनट तक यूं ही छोड़ दिया था और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। जरा भी हाथ से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना नरम है। तो अब लेंगे एक बड़ा बाउल और ये सारा पोहा उसमें पलट देते हैं। इसके बाद इसे हाथ से अच्छे से मैश करना है। ये पोहा बहुत ही नरम हो चुका है और हल्के हाथ से भी आप इसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। पोहा तैयार है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कट किया हुआ पालक और साथ ही सोया। यहाँ पर मैं इन कटलेट्स को सोया पालक और मेथी के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ पालक या मेथी से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मेथी है वो भी इसमें डाल देते हैं। मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कटलेट्स में। आप यहाँ पर काफ़ी सारा हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। मैं ले रही हूँ 5 प्याज अदरक और लहसुन। तो लहसुन को मैंने छोटे बारीक टुकड़ों में कट किया है। इसी तरह से अदरक को भी छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। इसकी बाइट्स बहुत ही बढ़िया लगती है। अब लेंगे प्याज, जिसे मैंने लंबे टुकड़ों में कट किया है। प्याज आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ ही ले लेंगे हरी मिर्चें। इसके बाद लेंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, दरदरा कुटा हुआ ले लेंगे धनिया पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैं ले रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच, नमक मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा न डालें। बाइंड करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन, और अब लेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। तो जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे, प्याज जो है वो अपना मॉइस्चर छोड़ता है, साग में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। इसमें आप बिल्कुल भी पानी का यूज़ न करें, क्योंकि नमक भी पानी छोड़ता है। और कुछ ही देर के बाद आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा कम है और ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। 1-2 चम्मच बेसन आप इसमें और डाल दें और उसके बाद आप इसे बाइंड करें। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बाइंड हो चुकी हैं। अब चलते हैं कटलेट्स बनाने की तरफ। मैं यहाँ पर कटलेट्स की शेप बना रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें सिलिंड्रिकल शेप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कुछ कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इसे मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में ये कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए, एक एक करके इन कटलेट्स को इसमें डाल दें और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। अब एक साइड से जैसे ही ये हल्का सा पक जाएं, इन्हें पलट लेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ भी इन्हें पकने देते हैं। दोनों तरफ से हल्का सा पकने के बाद गैस की फ्लेम को हल्का सा लो कर दें ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, और उसके बाद लास्ट में गैस की फ्लेम को हाई कर दें या मीडियम कर दें ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाए।
ये देखिए जैसे ही इन कटलेट्स का कलर बढ़िया सा आ चुका है, इन्हें अब मैं बाहर निकाल लूंगी और इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लेते हैं। कटलेट्स बनकर तैयार हैं, तो चलिए अभी इन्हें सर्व कर लेते हैं। इन गर्मा गर्म कटलेट्स को आप टमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। शाम की चाहे हल्की भूख हो या ऐसे ही कभी कुछ अलग खाने का दिल करे, तो उस टाइम पर आप इस कटलेट्स की रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं तो जा रही हूँ गर्मा गर्म इन कटलेट्स को हरी चटनी के साथ इंजॉय करने। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।